हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये सीन है कि हेयर्स तो मैंने करवा ली हैं ब्लैक, बट इतने लंबे हेयर्स नहीं चलते हैं, इसलिए मुझे अभी अपने हेयर्स को शॉर्ट करवाने हैं और कुछ चीज़ें करवानी। तो मैं आपको डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर में ही मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। और अभी थोड़ा सा जल्दी निकल रही हूँ, आई एम सॉरी, बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। और पीछे बहुत गंदा गंदा आ रहा होगा, तो आप उस सबको इग्नोर करना, राइट? कैसा लग रहा है सुजा? सुजु कैसा लग रहा है? I'm so nervous, excited also. I should not be fun. Okay. Experience, हाँ? क्यूट लग रही है सच्ची। सुंदर तो है, बहुत सुंदर है। आप कुछ करते हो क्या? मुझे ड्राई कैसे हो गया? ऐसे ही है मेरा। तो हेयर्स का ये सीन है कि जो कॉलर होता है ना हमारा, उतना छोटा करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरे हेयर्स की कटिंग चल रही है और मुझे स्मूथनिंग भी करानी है, पर स्मूथनिंग मैं अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि अभी जैसे ही हम हेयर कलर करते हैं ना, उसके बाद एकदम से स्मूथनिंग नहीं होती। हमें एक दो बारी हेयर वॉश लेना पड़ेगा, उसके बाद हमारी स्मूथनिंग होगी। तो आज दी ने बोला है कि सिर्फ हेयर कटिंग होगी और आपके हेयर की मैं स्टाइलिंग करके दे दूंगी। तो अभी ये ब्लो ड्राई कर रही हैं हेयर्स में, ताकि हेयर्स एकदम पफी अच्छे से हो जाएं। स्मूथनिंग के लिए मुझे एक हफ्ते के बाद आना पड़ेगा, उसके बाद मेरी हेयर स्मूथनिंग हो जाएगी। उससे क्या, हेयर्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो अभी जस्ट वो सेट करके दे रही हैं। तो मेरे हेयर्स ना बहुत मोटे हैं, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं, है ना। और अब तो मैं बताऊँ ना, बहुत पतले हो गए। पहले तो मेरे हेयर्स इतने मोटे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ना मेरे हेयर्स को करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो उन्होंने ब्लो ड्राई कर दिया, उसके बाद ये कर रही हैं आयरनिंग, जिससे थोड़ी सी शाइननेस आ जाए। तो मेरे हेयर्स को सेट करने में सच में बहुत टाइम लग रहा है, और जो मेरे हेयर्स की स्मूथनिंग है ना, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत रात भी हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा दिनों के बाद आऊँगी, तब मैं अच्छे से अपने हेयर्स का सब करा दूँगी। तो ये देखो, ये अच्छे से अब कट गए हैं, तभी वो भी फोटोग्राफ्स के लिए मैं भी दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अभी तो कुछ टाइम ऐसे ही लुक रखना है मुझे। और आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जस्ट अभी मैं बाहर आई हूँ और अंदर मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरा भी जस्ट अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट आया, मैं आपको दिखाती हूँ। कलर बार का मैंने ख़रीदा है ब्लशर, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये जस्ट अभी आया है, ये कलर है शायद पीच। तो हमें ना जो बताए गए प्रोडक्ट्स हैं हम वही लेते हैं। ओगॉडी, झूला बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स हमें बताए हैं तो हमको वही लेना है, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। और वही प्रोडक्ट्स आप चाहे तो मॉल से ख़रीद सकते हैं, या चाहे तो वहाँ पे नीचे भी मिलते हैं, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो कुछ कुछ तो मैंने वहाँ नीचे से ख़रीद लिए थे, कुछ कुछ मॉल से ख़रीदे थे और कुछ ऑनलाइन भी ख़रीदे मैंने। तो अब चलिए इसे रूम में देखती हूँ कैसा आया है, कैसा लग रहा है ये, और आपको रूम में बताती हूँ जाके। ये रहा हमारा प्रोडक्ट,